नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, 11 सितंबर से 20 सितंबर तक कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में यह घटनाएं होकर रहेंगी, नहीं टाल सकते हैं। चाह कर भी आप चाहे तो हमसे लिखवा कर ले सकते हैं, क्योंकि वह कहते हैं ना, मनुष्य का दौर बदलता रहता है। मनुष्य के जीवन में कभी शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है, परंतु मनुष्य को मनचाहे चीजों को प्राप्त करने के लिए भगवान की वर्षी भी जरूर होती है, भगवान की भक्ति भी जरूर करनी चाहिए। ऐसे वक्त में माता लक्ष्मी की कृपा से कुंभ राशि के लोगों के जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव परिवर्तन भी होंगे। पॉजिटिव परिवर्तनों में आप लोगों को धन के क्षेत्र में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ के क्षेत्र में भी आप लोगों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगी। आप लोगों को बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति भी होने वाली है। वहीं नेगेटिव चीजों में आप लोगों को मुश्किलों, परेशानियों और समस्याओं का भी आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। आर्थिक स्थितियां कुछ लोगों की कमजोर होने की वजह से उन लोगों को कई प्रकार की मुसीबतों से जूझना पड़ सकता है। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो आप लोगों को कार्य क्षेत्र में बड़े खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के सारे प्रयास वे रंग लाने वाले हैं, परंतु आप लोगों की गलती की वजह से आप लोगों के जीवन में मुसीबतें और समस्याओं का भी आगमन हो जाएगा। आप लोगों को इस समय बेफिजूल के खर्चों को कंट्रोल में रखने के रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के बढ़ते हुए खर्चे भी आप लोगों के जीवन में परेशानी और समस्याओं को भी इस समय क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों के शत्रु भी आप लोगों के सामने कई प्रकार की मुश्किलों को डाल सकते हैं। आप लोगों को शत्रुओं के नजर से बचने होंगे। सामाजिक कार्य में आप लोगों को ख्याति की प्राप्ति होंगे, बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। आप लोगों को पिता से संबंधित सारे के सारे कार्य क्षेत्र में बड़े सहयोगों की प्राप्ति होंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप लोगों को अच्छे अब नई रोजगार की प्राप्ति होंगे। और मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भगवान गणेश जी की कृपा से आप लोगों का दैनिक जीवन भी बहुत ही शानदार रहेंगे। आप लोगों को अपने रिलैक्स महसूस करने की जरूरत होंगे। आप लोगों के जीवन की परेशानियां हों, व्यापारिक स्थितियां हों, व्यवसायिक स्थितियां हों, या स्वास्थ्य संबंधी सारी की सारी समस्याएं हों, उन सबों से भी आप लोगों को छुटकारा प्राप्त होने वाला है। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेंगे। आप लोगों को स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने वाले हैं। इस समय अगर आप लोगों का सोचा हुआ कार्य है वह भी पूर्ण होंगे। आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी की प्राप्ति होंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल यानी कि यह समय बहुत ही शुभ अवसरों की प्राप्ति करवाने वाले होंगे। चुनौतियों से पार करते हुए आगे बढ़ेंगे, मजबूत मुकाम को हासिल करेंगे। आपको अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए मजबूती का सहयोग भी प्राप्त होंगे। आपको क्रोध के समय अपने कार्य क्षेत्र पर वाणी पर संयम रखने होंगे। आप लोगों को इस समय पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उत्कृष्टता भी प्राप्त होंगे। आप लोगों को कोई ऐसा कार्य को करने का मौका मिलेंगे जिनसे कि आप लोगों के हौसले में बढ़ोतरी होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को सफलता मिलेंगे। करियर के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए आप लोगों का वक्त आ चुका है। आप लोगों को जीवन में पारिवारिक स्थितियां भी काफी अच्छी होंगे। आप किसी मनोरंजक और अच्छी जगह घूमने फिरने जा सकते हैं। तथा इस राशि की लड़कियों के लिए यह समय थोड़ा सा दुर्लभ रहेंगे। आप लोगों को कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी मुश्किलों और परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अपने सूझबूझ और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के मौके भी प्राप्त कर सकोगे। जो लोग इस समय घर परिवार में सुखद और अनुशासित वातावरण रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेंगे और आप लोगों को पुराने में लोगों से मेल झोल बनाने का मौका भी मिलेंगे। आप लोगों की लव लाइफ भी काफी अच्छी होंगे। आप लोगों को प्यार के मामले में अधिक मजबूती की प्राप्ति होंगे। आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी हो सकती है। नंबर के जिसमें का प्रयोग करना आप लोगों के लिए प्रभावित समस्याओं से छुटकारा दिलवाने में आप लोगों को सफल होंगे। आपको व्यापारिक व्यवसायिक स्थितियों को काफी बेहतर बनाने का प्रयास भी करने होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को बेहतर शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। नौकरी के क्षेत्र में भी आप लोगों को इस समय सैलरी में बढ़ोतरी होंगे, पद में प्रमोशन होंगे और आप लोगों की जिंदगी के सारे सपनों को भी आसानी से पूर्ण
पूर्ण कर सकते हैं और रुपए पैसे में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस समय व्यापार व्यवसाय को लेकर भी कई सारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, कई सारी खुशखबरी पाई जा सकती हैं, जिन खुशखबरी को पाकर आप काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे और आप लोगों के जीवन में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति भी हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को सफलता मिलेंगी तथा आप लोगों को किसी लेन देन के क्षेत्र में साझेदारी से किए गए कार्यों का बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है। मानसिक और शारीरिक समस्याओं से भी आप लोगों को छुटकारा मिलेंगे, रुपए पैसे में वृद्धि होंगे, परंतु आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित होंगे जो आप लोगों के जीवन के परेशानी का वजह बन सकता है, परेशानी के कारण बन सकते हैं। दोस्तों इस समय आप लोगों को किसी भी अनजान व्यक्तियों पर बचने का प्रयास करने होंगे, आप लोगों को अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचने की कोशिश करने होंगे। आपका दिन बहुत ही ज्यादा शुभ रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में इस समय पद्मश्री की प्राप्ति होंगे। जो लोग व्यापार व्यवसाय हैं, जो लोग इस समय बिजनेस व्यापार को करते हैं, उन लोगों को भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। आपको किसी प्रियजनों की मदद से रोजगार की प्राप्ति होंगे। व्यापार में भागा दौड़ी भी अधिक होने से आप लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। आपको संतान की ओर से बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। यदि संतान कहीं निवेश करने का मन बनाया है तो अवश्य करें। भविष्य में आप लोगों को इनसे बहुत ही ज्यादा फायदे की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के सोचे हुए कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। आप लोगों का दिन भी आपको नए अनुभवों की प्राप्ति करवाने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आज आप क्या खा रहे हैं। खाना को खाते समय आपको बहुत ही परहेज रहने होंगे। आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी लचीली होंगे, जिसके कारण भी आप लोगों को पहले से अस्वस्थ होकर आप लोगों को थोड़ा सा लाचार महसूस कर सकते हैं। आपको खान पान पर ध्यान रखने होंगे। आप लोगों को बाहरी वस्तुओं से भी बचने का प्रयास करने होंगे। मित्रों यह समय सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएंगे। आप लोगों की राशि के स्वामी शुक्र भी आपकी राशि में भ्रमण करेंगे, जिसका कि शुभ परिणामों की प्राप्ति होंगे। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती होंगे, नए प्रेम प्रकरण बन सकते हैं, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होंगे, आपके सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होंगे, लोग भी आपके कहे अनुसार चलेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यधिक शुभ रहने वाला है। आप लोगों के समृद्धि में वृद्धि होंगे, नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति करोगे। करियर की बात करें तो लाभ की स्थितियां रहेंगे। आपको कार्यस्थल में भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लोग आपसे ईर्ष्या और लोग आपकी सफलता को देखकर जलेंगे, आपसे ईर्ष्या का भाव रखकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। धैर्य रखें, कारोबारियों को भी इस समय बहुत सतर्कता के साथ कार्य को करने की जरूरत होंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगी। आप लोगों को किसी न किसी रूप में अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होंगी। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।